रेवाड़ी पहुंचे कृषि एवं पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ को उस समय सरपंचों की नाराजगी का सामना करना पड़ा जब वे बैठक में बोल रहे थे। सरपंचों ने ओपी धनखड़ को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर ऐसा ही रहा होता तो अगले विधानसभा चुनाव में गांव में दरी बिछाने के लिए भी कार्यकर्ता नसीब नहीं होगा। सरपंच इस बात से नाराज थे कि पंचायतों को बने 2 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया लेकिन विकास के लिए ग्रांट नहीं मिली और जो मिली है वो इतनी है कि ऊंट के मुंह में जीरा। सरपंचों ने एक तरफ तो उन्हें निरुत्तर कर दिया, वहीं कई सरपंचों ने मंत्री को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के दावे पर तंज कसते कहा कि यह मात्र दावा ही है। चीहड़ के सरपंच ने कहा कि अपने कार्यकाल में 1 करोड़ से ज्यादा का दावा किया, 2 साल बाद पूर्व सरपंच पर रिकवरी के आदेश हुए लेकिन वो रिकवरी नहीं हुई। और मेरा निवेदन ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार पूरी तरह लगाम लगाती हुई दिखाई दे रही है, हर प्रत्येक व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा गाँव में एक सरपंच ने 1.3 करोड़ रुपए की रिकवरी निकली हुई है और उस पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, रिकवरी नहीं भरवाई गई है, तो फिर भ्रष्टाचार को कैसे समझा जाएगी? सर मैं इस पर जुड़ा रहूंगी, मैं इस प्रभावित होकर मैंने जांच करवाई थी, पर ये 1.3 करोड़ की शुद्ध रिकवरी निकली हुई है, जो रिकवरी नहीं भरवाई गई है, नोटिस नहीं हुआ है और जांच में 2 साल की देरी होगी। अगर कॉपी चाहो तो कॉपी भी ले सकते हैं। आज न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय त्रिकी की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।